ताजिर तंजीमें यक जुबान, कल तारीखी हड़ताल का ऐलान। नए टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ छोटी बड़ी सब मार्केट्स बंद रहेंगी। मोबाइल फोन, एम्ब्रॉयडरी, मार्बल, स्टील, सराफा अंजमनों का कल बाजार न खोलने का फैसला। कार डीलर एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हड़ताल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए काबिल अमल नहीं है, जितना लोड कम होगा हमारा टैक्स सिस्टम ठीक होगा। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और मरकजी तंजीमें ताजरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हड़ताल से होने वाले नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। उधर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हुकूमत ने गंदम की मसनूआत पर GST ऐड कर दिया, हुकूमती पॉलिसियों के बायस मिले नहीं चला सकते। कल ताजे तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल करेंगे, खुद साख्ता ताजे रहनुमाओं का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा। अंजुमन ताजरान नई मीट ग्रुप की दीगर ताजे रहनुमाओं की हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने भी हिमायत की ऐलान कर दिया, कल हर सूरत हड़ताल हो। नए टैक्सेस की भरमार और महंगाई ने कारोबार तो कारोबार जीना भी मुश्किल कर दिया। कल कारोबार बंद रखकर हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। फिरोजपुर रोड पर मार्बल के ताजरों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। एप्टेफमा रहनुमाओं को आज इस्लामाबाद बुला लिया गया। नए टैक्सेस के खिलाफ प्रोसेसिंग मिलें 12वें रोज भी बंद। यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मजदूर बेयकीनी का शिकार। जिला इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुजाकरात कामयाब। नान रोटी की कीमतें बढ़ाने का फैसला मुअख्खर, किसी नतीजे पर पहुंचने तक नान और रोटी सरकारी निर्खनामे पर ही फरोख्त होगी। नान बाई एसोसिएशन का DC सालिया सैद से रोटी का सरकारी निर्ख 10 और नान 15 रुपए करवाने का मुतालबा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जरा इनकम टैक्स के भिजवाए 400 नोटिस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। नोटिस के खिलाफ जिम्मेदारों को 30 यौम के अंदर अंदर अपील का हक, फैसले के बाद ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिस भेज सकेगा। जस्टिस आयशा ए मलिक ने 15 सफात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। मियां शहबाज शरीफ तबीयत खराबी के सबब नैब में तलबी पर आज पेश नहीं हो सके। डॉक्टर्स का अपोजिशन लीडर को एक हफ्ते आराम का मशवरा, साबिक वज़ीर आला की जानिब से नैब सवालनामे के तहरीरी जवाबात जमा करवा दिए गए। राणा सनाउल्ला के इलाज मुआवजे का कोई बंदोबस्त नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती वजीर और DGA मिलकर राणा सनाउल्ला पर इल्जाम लगाए, अब हुकूमत भी लीगी रहनुमा के केस से दूर हो रही है। मियो अस्पताल के करीब अफसोसनाक वाकया, घर की खस्ता हाल छत गिरने से 2 खातीन जाबाग, 3 बच्चे जख्मी। DC सालिया सईद की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का 10 सालों से नजरअंदाज सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तरक्की का फैसला, महकमा खजाना ने मेरिट और सीनियोरिटी के बावजूद तरक्कियों से महरूम रह जाने वालों की तफसीलात तलब कर ली। दिल के मरीजों के लिए सर्जिकल आइटम्स और स्टंट की खरीदारी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 9 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी खरीदी जाने वाली डिवाइसेस की टेक्निकल वैल्यूएशन का जायजा लेकर कम से कम रेट्स पर अशिया की खरीदारी मुमकिन बनाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज 2 माह से मुस्तकिल डायरेक्टर से महरूम, प्रोफेसर ऑफ हेमाटोलॉजी के तैनाती न होने से तदरीसी मामलात मुतासर होने लगे। HIV मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर IG जेल का अहम इकदाम, पहले मरहले में जेल आने वाले कैदियों का एड टेस्ट मस्बत रिपोर्ट पर मखसूस वार्ड में मुंतकली तरजीह होगी। पंजाब एड्स प्रोग्राम से 50,000 किट्स मंगवा दी। CCPO बशीर अहमद नासिर की अदम दिलचस्पी के सबब सिक्योरिटी डिवीजन की अपग्रेडेशन में ताखीर, आला पुलिस ऑफिसर की नाकिस प्लानिंग भी अमल दरामद की राह में हाल हो गई। सिक्योरिटी डिवीजन के मौसर होने पर थानों को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी से इस्तिस्ना मिल जाता है। मानसून बारिशों में बादामी बाग लारी अड्डा जेरे आब क्यों आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर ने वासा के कलील अमले और नाकिस मशीनरी को जिम्मेदार करार दे दिया। अमले की किल्लत दूर करने और मजीद मशीनरी फराहम करने के लिए MD वासा को मरासला इरसाल। सस्ते घरों का ख्वाब इदारों की भूल भुलैयों में, पंजाब हुकूमत का एक और अथॉरिटी बनाने का फैसला, नई अथॉरिटी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी पंजाब के नाम से काम करेगी।
मंशा बम से वागुजार 66 किनाल अराजी एक बार फिर कब्जा माफिया के निर्खे में। एलडीए की लगाई खारदार तारें हटाकर तामीरात शुरू, कई दुकानों के शटर दोबारा से लगने लगे। यूईटी के एंट्री टेस्ट की तैयारियां मुकम्मल। बीएस इंजीनियरिंग और बीएस टेक्नोलॉजी के मुश्तरका टेस्ट में 46,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। 100 मिनट दौरानिए का टेस्ट 13 इम्तिहानी मराकज पर 21 जुलाई को सुबह 10 बजे शुरू होगा। होशरुबा महंगाई, भारी भरकम बिजली गैस के बिल और अब ट्रैफिक वार्डन्स की चालान मुहिम। दो गुना रेवेन्यू हदफ पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ चालानों से शहरी हलकान हो गए। वार्डन्स के पुलिस एहलकारों के हमराह नाकों पर एतराज, चालान मुहिम को लूट मार का मंसूबा करार दिया। मुसलसल ट्रेन हादसा के सबब लाहौर स्टेशन पर शेड्यूल दरहम बरहम। कराची और क्वेटा से आने वाली 11 ट्रेनें 12 घंटे तक ताखिर का शिकार। हजारों मुसाफिर और लवाहिकीन इंतजार की कोफ्त में मुब्तला। जान तोड़ मुहिम, मुअसर चेक और मरबूत राबते। जिलाई हुकूमत की काविशें रंग ले आई। पोलियो के मस्बत इशारे मनफी हो गए। 1.5 साल बाद पहला पोलियो टेस्ट मनफी। आउटफॉल रोड से लिए गए सेवरेज नमूने की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में जांच की गई। डीसी सालिया सईद का मुहिम को मजीद मुअसर बनाकर पोलियो खतरा जीरो करने के लिए पुराज। मॉडल अदालतों में पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस कारकर्दगी। कत्ल और मनशियात के 42 मुकदमात के फैसलों में बरी होने वाले सजा पाने वालों से ज्यादा सिर्फ एक मुजरिम को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद सुनाई गई। 3 माह की रिपोर्ट जारी। वकालत का लाइसेंस काबिलियत के टेस्ट से मशरूर। HEC टेस्ट के लिए दरख्वास्त जमा करवाने के लिए आज आखिरी तारीख। लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट पास करने के लिए 50% नंबरों का हुसूल लाजिम। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू पास करने के बाद लाइसेंस जारी किया जाए। दुकान पर कब्जे के खिलाफ बेवा खातून बेटियों के हमला अदालत पहुंच गई। मरहूम शोहर के भतीजों से कब्जा छुड़वाने की सदा। अदालत ने SHO शालीमार से रिपोर्ट तलब कर दी। कत्ल के मुकदमे में मुदई और मुलजिम पार्टियां गुत्थम गुत्था। सेशन अदालत के बाहर मैदान जंग सज गया। एक दूसरे की लातों और घूसों से तवाजे। मुगलजात और धमकियां, पुलिस और दीगर साहिलीन ने भीष्म बचाव करवाया। तारीफ अदालत का बड़ा फैसला। मकान की तामीर बर वक्त मुकम्मल न करने पर ठेकेदार के खिलाफ डिग्री जारी। अमाल बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर न्यू मजन को, गुलशन रावी के रिहायशी को 75,000 हर्जाना और 25,000 खर्चा अदा करने का हुक्म। पुलिस और प्रोसिक्यूशन अमला खाबे खरगोश में। ड्रग कोर्ट से दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर मुलजिम बासानी फरार। बिलाल नामी दुकानदार पर गैर मुल्की अद्वियात के खिलाफ कानून फरोख्त के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। एंटी करप्शन एक इन्वेस्टिगेशन इदारा है। हमारा काम प्रोसिक्यूशन के मुताबिक तफ्तीश करना है। DG एंटी करप्शन एजाज शाह की हाईकोर्ट पेशी पर सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगु। अदालत ने पंजाब भर में एंटी करप्शन के जेर अल्तवा मुकदमात की तफसीलात मांगी। IG आरिफ नवाज खान से सूबाई वजीर हाउसिंग महमूद रशीद की मुलाकात। अमनो अमान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वजीर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पुलिस कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। ACCT फजल रब्बी का मियां मुंशी अस्पताल का अचानक दौरा। इलाज मुआवजे की सहूलतों, इंतजामी अमूर समेत मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा लिया। नियाजी अड्डा चौक यतीम खाना के करीब दुकान में सिलेंडर धमाका। माली समेत 2 अफराद झुलस कर जख्मी। फौरी जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुकान से तहाल गैस लीकेज, खाकन बदहन किसी हादसे का सबब बन सकती है।